हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग साइन 0 30 45 60 90, कॉस 0 30 45 60 90, टेन 0 30 45 60 90 सबका मान एक एक करके हम आज देखेंगे। ठीक है ना, तैयार रहे। सबसे पहली बात ये, बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, और उस समय आपकी बोलती बंद हो जाती है। मैं एक बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ और आप बिल्कुल आसान तरीके से याद कर पाओगे। ठीक है, जरा ध्यान देना। आपको पूछा जाता है साइन 0 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है, 45 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है और 90 का मान क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है ना, ऐसे तो आप कर सकते हैं ना, 0 1 2 3 4, उसके बाद सबके नीचे 4 दे दीजिए, सबके नीचे 4 आप दे दें। ठीक है ना, सबके नीचे 4, ओके, और सबको आप रूट में डाल दीजिए, सबको आप रूट में डाल दीजिए। कितना बिल्कुल आसान है भाई, आप पहले 0 1 2 3 4 और सबके नीचे आप क्या दे सकते हैं, 4, और तब उसके बाद रूट कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप अगर इसका मान निकालते हो बच्चे, तो 0/4 का मान 0 होता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है। इस तरह से हमारा साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप बताओ, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है ना, तो आप इसका वर्गमूल निकालो तो 1/2। ठीक है, चलो ठीक है, 2/4 है तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है ना, 1 का वर्गमूल क्या होता है बच्चे, पता पता, 1 का वर्गमूल 1 होता है। चलो ठीक है, और 2 का तो वर्गमूल नहीं करना, यानी कि 2 जो है, 1 अगर हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं तो हम इसका पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते, 2 × 1 = 2, यानी कि हम जोड़ा नहीं लगा सकते। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि 2 रूट के रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया, 1 का वर्गमूल 1 और √2 रहेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, 3 का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो 3 को थोड़ा रूट में, क्योंकि ये 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो 3 को उसी तरह से रहने देंगे। ठीक है ना, 4 का वर्गमूल बताओ मुझे, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, यानी √3/2 हो गया। ठीक है ना, चलो बताओ, 4/4 है, 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल बचे 1 होता है। चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। ठीक है ना, और साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है जी, साइन 0 डिग्री का मान। चलो मैं पूछता हूँ, तुम बताओ मुझे, साइन 0 डिग्री का मान बताओ, 0 होता है। साइन 30 का मान बताओ, 1/1/2, देखो भाई 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो बिना देखे बोलते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आसान है ना। चलो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर कोस का मान निकालना है, कोस 0 30 45 60 90, अगर कोस का मान निकालना है ना, कुछ नहीं करना, ये जो साइन जो 90 डिग्री का मान 1 है ना, इसको सबसे पहले लिख दो, यानी कि ये जो 1 है इधर लिख दो, फिर ये √3/2 इधर लिख दो, √3/2, फिर ये बीच में ही रहेगा भाई। चलो ये 1/2 इसको स्थान यहाँ पर दे दो, और फिर ये 0 को यहाँ पर लिख दो। अब चलो बताओ, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, और cos 90 डिग्री का मान 0, है ना सर। अब हम बात करते हैं tan कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो tan का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आप इन दोनों को बटा करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, इसमें यूज कर लेते हैं, जैसे आप 0/1 करते हैं, तो 0/1 करते हैं बच्चे, तो 0 में 1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 1/2 फिर बटा में √3/2, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 1/√3, है ना। चलो ये √2 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर 1 आ गया आंसर। ठीक है ना, अब बात करते हैं √3/2, फिर यहाँ पर 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3। और 1/0, जब भी बटा में 0 हो ना बच्चे, तो उसको हम अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव हम ऐसे दर्शा देंगे, यानी कि जो 8 आप लिखते हो ना, आप इस तरह से लेटा के आप लिख देना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो हमने ये देखा कि साइन कॉस टैन का मान हमने निकाल दिया, और आप जानते हो त्रिकोणमिति में पढ़ते हो कि कुल क्षेत्र त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो आप सबको पता होता है कि साइन जो होता है उसका जो अपोजिट होता है ना, साइन का अपोजिट कोसेक होता है बच्चे, ये सबको पता है, साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो जहां ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, अगर कोसेक पूछेगा
30 डिग्री का मान क्या होगा, तो जहां साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? अगर आपसे ये पूछा जाए कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 45 का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 का मान पूछे तो √2/1 हो जाएगा। अगर आपसे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 दिया हुआ है तो कोसेक 60 डिग्री का मान पूछे तो 2/√3 हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ठीक है ना? अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 है ना, तो 1 की तो नीचे 1 ही छिपा हुआ रहता है, यस या नो? तो अगर कोसेक 90 डिग्री का मान पूछे तो भी आप उल्टा करो तो 1/1 ही आएगा। यानी कि हम साइन का अगर मान याद कर लेते हैं तो हम कोसेक का भी मान क्या कर सकते हैं, उसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यस या नो? कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चे, सेक। तो अगर सेक होता है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो सेक 0 डिग्री का भी मान 1 ही होगा, और 1 का उल्टा भी 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है बच्चे, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अगर कॉस 45 का मान 1/√2 है तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। अगर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है बच्चे, तो सेक 60 डिग्री का मान 2/1 हो जाएगा। अगर कॉस 90 डिग्री का मान 0 है बच्चे, तो आपको सेक 90 डिग्री का मान पूछे तो 0 का उल्टा अपरिभाषित बोलना है और अपरिभाषित का उल्टा 0 बोलना है, ठीक है? 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 बोलना, ऐसे बोलना। अब बात करते हैं टैन की, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है? टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टैन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप तो बोलेंगे कि 1/√3, लेकिन कोट अगर 30 पूछ दे तो √3/1 बोल देना है आपको, यस या नो?